मनुस्मृति दिवस मनाओगे तो मनुस्मृति हमेशा जिंदा रहेगी, कभी दफन नहीं होगी, कभी जलेगी नहीं, चाहे बेशक उसको बाबा साहब जला के गए हैं 25 दिसंबर 1927 में। धम्मपद पुनर्स्थापना दिवस अगर मनाओगे, धम्मपद दिवस अगर मनाओगे तो मनुस्मृति कभी जिंदा ही नहीं होगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, जैसा कि बाबा साहब ने दहन किया, जलाया, भस्म किया 25 दिसंबर 1927। सभी को याद है पूरे भारत में, क्योंकि अधिकतर लोग मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। अगर आप मनुस्मृति दहन दिवस मनाएंगे तो ये जाहिर है कि आप मनुस्मृति को हमेशा जिंदा रखेंगे। जैसे दशहरे के ऊपर लोग सैकड़ों साल से रावण को जलाते हैं और रावण को जिंदा रखते हैं उसी परंपरा के अनुसार, देश विदेश में मनुस्मृति दहन बड़े धूमधाम से लोग मना रहे हैं। बाबा साहब की जो बातें हैं उनमें समस्या भी है और समाधान भी है। अधिकतर लोगों ने समस्या का बखान किया और समस्या को आगे बढ़ाया, समाधान को कम पकड़ा और समाधान को कम जाना और उसको कम अपनाया। अगर आप मनुस्मृति का दहन करना चाहते हैं तो उसका दहन करते ही वो फिर जिंदी हो जाती है, सार दलसार वो कभी दहन नहीं होगी। तभी ऐसा मैंने एक भाषण में सुना, बाबा साहब अम्बेडकर से किसी ने पूछा कि आपने मनुस्मृति दहन जला दी है तो अब हम क्या करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बौद्ध का साहित्य, बुद्ध का साहित्य, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो अपार है, पूरे भारत में सबसे, पूरी दुनिया में सबसे विशालतम है, उसका जो धम्मपद ग्रंथ है वो सबसे बढ़िया है, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। धम्मपद दिवस उत्सव या पुनरुत्थान दिवस 25 दिसंबर को मनाने की बात पॉजिटिव है, अच्छी है। जिसको हमें भूलना है, जिसको ख़त्म करना है, जिसको जला दिया, जिसको दफन कर दिया, उसको अगर याद ना करेंगे तो वो कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। साल दर साल उसे याद करेंगे तो आपकी पीढ़ियां भी उसको याद रखेंगी और हमेशा उसका जिक्र करेंगी। आपका पढ़ाई का समय, आपका जानकारी का समय, आपका आंदोलन का समय उस स्मृति के नाम जाएगा जिसको बाबा साहब दफन कर गए, और आप उसको जाने और अनजाने में लगातार साल दर साल जिंदा कर रहे हैं। धम्मपद पुनरुत्थान दिवस, धम्मपद वो किताब है जो दुनिया के हर कोने में पाई जाती है, हर एक बच्चा उसको जानता है, जाने में अनजाने में जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं उन सब में धम्मपद का अंश पाया जाता है। चीन के अंदर ये किताब सबसे पहले लिखी गई और छपी गई, छपाई की किताबों में सबसे पहले धम्मपद का नाम आता है, दुनिया की सभी भाषाओं में धम्मपद आता है। धम्मपद वो किताब है जिसको आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं या आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं। दुनिया के सारे जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं उनमें धम्मपद को अपने अपने हिसाब से बताया गया है, लिखा गया है, समझाया गया है। ये जीवन जीने की एक कला है जिससे आदमी का जीवन बहुत अच्छा होता है, मनुष्य बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। 25 दिसंबर को आप क्या मनाते हैं ये आपके ऊपर है। आप स्मृति दिवस मनाते हैं, मनुस्मृति को याद करते हैं, उसका बखान करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, या अपनी किताब धम्मपद को बताते हैं जो भारत की किताब है, ये आपके ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर है, आपके कार्य के ऊपर है। आप अगर पॉजिटिव काम करेंगे तो आप धम्मपद पढ़ेंगे, धम्मपद बांटेंगे, धम्मपद को सीखेंगे। आप अगर बाबा साहब की समस्या या जो उसमें निगेटिव चीज़ है अगर उसको याद करना चाहेंगे तो आप स्मृति दिवस मनाएंगे, मनुस्मृति दिवस मनाएंगे, जो कि एक काली किताब है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, पूरी दुनिया में उसका कोई बखान नहीं होता, जबकि धम्मपद का बखान पूरी जगह जगह पूरी जगह होता है, होता रहेगा, होता आया है। बाबा साहब कहाँ लिख कर गए हैं, कहाँ बोलकर गए हैं कि उन्होंने जो मनुस्मृति को दहन किया है, दफन किया है, आपको उसका दिवस मनाना है या साल दर साल उसको याद करना है। बाबा साहब का इतना विशाल साहित्य है, बुद्ध का इतना विशाल साहित्य है, गुरु नानक का है, चोखा मेला का है, सतनाम का है, कबीर दास का है, ज्योतिबा फुले का है, इतना साहित्य आपके पास है, आप उसे मनाइए, आप उसका दिन मनाइए। आपको जो एक बार जला दिया, जो दहन कर दिया, उसमें बाबा साहब का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि आपको 25 दिसंबर 1927 के दहन दिवस को लगातार लगातार रिपीट करना है। आप उसको अगर अपने परिवार को या अपनी पीढ़ी को बताना चाहते हैं तो चुपचाप बहुत शांति से बनाइए, उसका जिक्र मत कीजिए। अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो वो जिंदा हो जाएगा और वो हमेशा आपके सामने एक भूत बन के, एक पास्ट बन के आपके सामने रहेगा। धन्यवाद।